सोसाइटी में मैं बोल दिया सर आप लोग के साथ आई घर डालते हैं दौसा जिले की। आपको याद है कि दौसा जिले के सिकराय में बढ़ती बिजली की दरों को लेकर के भाजपा ने प्रदर्शन किया है, साथ ही एईएन ऑफिस के बाहर पुतला भी फूंका गया। दौसा जिले के सिकंदरा में भाजपा मंडल सिकराय की ओर से हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विशंबर बांसड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं से भाजपा कार्यालय से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के पास स्थित एईएन कार्यालय पहुंचकर प्रवेश द्वार पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया है। साथ ही एईएन को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की बढ़ती दरों को वापस लेने वह फर्जी वीसीआर बंद करने गरीबों पर हो रहे शोषण को बंद करने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते गत 6 माह से लोगों के उद्योग धंधे कामकाज ठप पड़े हैं, लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार दिन ब दिन बिजली की दरें बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ रही है। और यही नहीं मानो लोगों से बिना मीटर की जांच करे मनमानी शुल्क वसूला जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया गया तो भाजपा शीघ्र राज्य में एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विशंबर बांसड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रवण सूबेदार, लेखपाल कसाना सहित अन्य भाजपा महिला मंडल की कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए आज किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष सिकंदरा, आज हम जिस बात को लेकर ज्ञापन दिया है वो कोई नई बात नहीं है, गहलोत सरकार की तो पुरानी बात होगी। इन्होंने जब मैदान में आए थे इलेक्शन टाइम पर, इन्होंने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे और बिजली बिल माफ करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है और अभी फर्जी यानी वीसीआर भरी जा रही है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर हो सकता है जोर हो, दबाव बना हुआ हो, अगर आप फर्जी वीसीआर भरे, इसे किसान बहुत हताहत है। यदि इसी मुताबिक ये कार्रवाई चलती तो आज तुमने ज्ञापन दिया है, आइल अगले समय में ये कार्रवाई को नहीं रोका, उनके वादा पूरा नहीं किए तो हम जन आंदोलन जनता के साथ करेंगे। इस खबर पर सत्ता ही देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।